जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, बहुत से भाई नाम जप या भजन को अच्छा तो समझते हैं, परंतु प्रमाद या आलस्यवश भजन नहीं करते। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। इस प्रकार दुर्लभ परंतु क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो भजन में आलस्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाए। जीवन का सदव्यय भजन में ही है। यदि अभी प्रमाद से इस अमूल्य सुअवसर को खो दिया तो पीछे सिवा पश्चाताप के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अतएव आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके जिस किसी प्रकार से भी हो, उठते बैठते सोते और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए सदा सर्वदा भजन करने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। माँ बच्चों को भुलाने के लिए उनके सामने नाना प्रकार के खिलौने डाल देती हैं, कुछ खाने के पदार्थ उनके हाथ में दे देती हैं। जो बच्चे उन पदार्थों में रमकर माँ के लिए रोना छोड़ देते हैं, माँ भी उन्हें छोड़कर अपना दूसरा काम करने लगती हैं। परंतु जो बच्चा किसी भी भुलावे में न भूलकर केवल माँ माँ पुकारा करता है, उसे माँ अवश्य ही अपनी गोद में लेने को बाध्य होती हैं। ऐसे जिद्दी बच्चे के पास घर के सारे आवश्यक कामों को छोड़कर भी माँ को तुरंत आना और उसे अपने हृदय से लगाकर दुलराना पड़ता है, क्योंकि माता इस बात को जानती है कि यह बच्चा मेरे सिवा और किसी विषय में भी नहीं भूलता है। इसी प्रकार भगवान भी भक्त की परीक्षा के लिए उनके इच्छा अनुसार उसे अनेक प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर भुलाना चाहते हैं। जो उनमें भूल जाता है वह तो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, परंतु जो भाग्यवान भक्त संसार के समस्त पदार्थों को तुच्छ क्षणिक और नाशवान समझकर उन्हें लात मार देता है और प्रेम में मग्न होकर सच्चे मन से उस सच्चिदानंदमयी माता से मिलने के लिए ही लगातार रोया करता है, ऐसे भक्त के लिए संपूर्ण कामों को छोड़कर भगवान को स्वयं तुरंत ही आना पड़ता है। महात्मा कबीर जी कहते हैं, केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए संसार के समस्त विषयों को विष के लड्डू समझते हुए उनसे मन हटाकर श्री परमात्मा के पावन नाम के जप में लग जाना ही परम कर्तव्य है। जो परमात्मा के नाम का जप करता है, दयालु परमात्मा उसे शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर न्यायकारी है, भजने वाले के ही पापों का नाश करके उसे परम गति प्रदान करते हैं, तो फिर उन्हें दयालु क्यों कहना चाहिए। यह कथन युक्ति युक्त नहीं है। संसार के बड़े बड़े राजा महाराजा अपने उपासकों को बाह्य धन आदि पदार्थ देकर संतुष्ट करते हैं, परंतु भगवान ऐसा नहीं करते। उनका तो यह नियम है कि उनको जो जिस भाव से भजता है उसको वे भी उसी भाव से भजते हैं। परमात्मा छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं करते। एक छोटे से छोटा व्यक्ति परमात्मा को जिस भाव से भजता है, उनके साथ जैसा बर्ताव करता है, वे भी उसको वैसे ही भजते और वैसा ही बर्ताव करते हैं। यदि कोई उनके लिए रोकर व्याकुल होता है तो वे भी उससे मिलने के लिए उसी प्रकार अकुला उठते हैं। वह उनकी कितनी दया की बात है। अतएव इस क्षण भंगुर अनित्य नाशवान संसार के समस्त मिथ्या भोगों को छोड़कर उस सर्वशक्तिमान न्यायकारी शुद्ध परम दयालु सच्चे प्रेमी परमात्मा के पावन नाम का निष्काम प्रेम भाव से ध्यान सहित सदा सर्वदा जप करते रहना चाहिए। संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर ईश्वर साक्षात्कार के लिए नाम जप ही सर्वोपरि युक्ति युक्त साधन है। कहों कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकें नाम गुण गाई। जय श्री राधे।